तो गाइज यार कैसे हैं आप सब। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि इंडियन ब्रांड के बारे में, अच्छा आई मीन स्मार्टफोन के बारे में। यार जर्मनी के महीने में वीवो, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी ने काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करे, तो ऐसे में भाई हम इंडियंस पीछे कैसे रह सकते हैं। इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स यानी कि माइक्रोमैक्स ने भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया मार्केट में, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट 2। और जो कि स्मार्टफोन इतनी ज्यादा तगड़ी प्राइस रेंज के हिसाब से आता है, इतनी ज्यादा स्पेक्स के साथ आता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पे इस प्राइस पॉइंट पे जो ओप्पो, वीवो, रियलमी के फोन है वो भी नहीं टिकते हैं। मानना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज इस वीडियो को पूरा एंड तक आप देखो तो सही, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक यहाँ पे आपको ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है। और वैसे बात करूँ तो इसका जो डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। गाइज बात करें स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में, तो एक वेरियंट में आता है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन 12,500 रुपए की कीमत पर ये लॉन्च हुआ है। फ्लिपकार्ट पर आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी जो स्मार्टफोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक के साथ आता है। इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है, मेटेलिक फ्रेम यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इसके बैक में यहाँ पे आपको ग्लास प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। इसका जो बैक है वो प्लास्टिक के साथ नहीं आता है, यहाँ पे आपको ग्लास का यूज देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे एक खराबी यहाँ पे ये है, जो इसका कैमरे का प्लास्टिक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के साथ आता है, वहाँ पे आपको ग्लास नहीं देखने के लिए मिलता है। और गाइस स्मार्टफोन के वेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 205 ग्राम्स के अराउंड यहाँ पे इसका जो वेट है आपको देखने के लिए मिल सकता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में गाइस यहाँ पे बात करते हैं, तो इस स्मार्टफोन में आपको सारे पोर्ट्स एंड बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की साइड में यहाँ पे आपको माइक्रोफोन जैक, यहाँ पे आपको स्पीकर्स, यहाँ पे सिंगल स्पीकर्स दिया गया है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट गाइस यहाँ पे आपको डुअल माइक देखने के लिए मिल जाता है ऊपर की साइड में भी, नीचे की साइड में भी, तो ये चीजें मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और साथ में यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्लस पॉइंट बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा एक अच्छी स्पेक्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको काफी ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप दे देगी। और यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपको साथ में 30W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट के रेंज में। गाइज ये जो स्मार्टफोन है ना काफी ज्यादा अच्छे डिस्प्ले के साथ आता है। बट गाइज यहाँ पे आपको मुझे एक कमी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे आपको 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है स्मूथनेस आपको थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, बट जो कलर रिप्रोडक्शन बाकी और चीजें यहाँ पे आपको काफी ज्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको जो स्मार्टफोन में प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको MediaTek Helio G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक 4G प्रोसेसर है। इसके साथ गाइज यहाँ पे आपको जो इस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिलगा वो यहाँ पे आपको 260,000 के आसपास अराउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर स्मार्टफोन के OS UI के बारे में बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे आपको 4G कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। लेटेस्ट 5.2 चल रहा है, थोड़ा पीछे। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन चीज़ों के बारे में। गाइज यहाँ पे आप कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं, तो गाइज यहाँ पे आपको 48MP का यानी कि 48MP का मेन कैमरा, 5MP का यहाँ पे आपको वाइड एंगल देखने के लिए मिलता है, जो कि 115 डिग्री पर यहाँ पे आपको वाइड देखने के लिए मिल सकता है। और गाइज यहाँ पे आपको 2MP का मैक्रो और 2MP का माइक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जो स्मार्टफोन का जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब नंबर्स तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे पास फोन होता तो मैं आपको डेमो पिक्चर्स भी क्लिक करके दिखा देता, बट मेरे पास फोन नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको नंबर ही बता सकता हूँ। बट यहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर्स निकल के आने वाली हैं काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कर सकता है स्मार्टफोन, बिकॉज यहाँ पे 48MP का जो मेन कैमरा है काफी ज्यादा अच्छा है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 16MP की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो यार ये सारी चीजें थी इस स्मार्टफोन के अंदर। तो गाइज यार आई होप आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना यार। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइज।